पास आता है राउंड, आपके पास नंबर डेसिमल्स में आ सकते हैं, तो डेसिमल्स के नंबर को राउंड फिगर में कैसे रखोगे? एक तो राउंड होता है कि आप सिर्फ विजुअलिटी राउंड चेंज कर लो, मतलब कि आप होम पे चले जाओ, यहां से डेसिमल प्लेस को कम या ज्यादा कर सकते हो, तो सिर्फ विजुअली चेंज हो रहा है, ओरिजिनल जो है वही रहेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं किसी को बिल करना चाहता हूँ राउंड फिगर में, तो आपके पास तीन फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला होता है आपका राउंड। राउंड क्या करता है, नियरेस्ट वैल्यू दिखाता है, नंबर ऑफ डिजिट मैंने जीरो डाल दिया तो यहाँ पे नियरेस्ट 1 to 0.56 का नियरेस्ट 13 है। नहीं, राउंड का फॉर्मूला है, राउंड फॉर्मूला, ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा जीरो कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट वैल्यू दिखा देगा। देखिए एक और राउंड होता है जिसको बोलते हैं राउंड डाउन, ये हमेशा नीचे का डाउन दिखाएगा, मतलब डेसिमल्स को रिमूव कर देगा। राउंड डाउन क्या करेगा, डेसिमल्स को आपको रिमूव कर देगा। उसके बाद क्या होता है राउंड अप, हमेशा अपर वैल्यू दिखाएगा। राउंड फॉर्मूला नियरेस्ट वैल्यू, राउंड डाउन डेसिमल्स रिमूव कर देगा आपको, नीचे के चला जाएगा। डेसिमल्स रिमूव तो नहीं बोलेंगे इसको, हमेशा नीचे का दिखाएगा, राउंड ऑफ हमेशा ऊपर का दिखाएगा। याद करने की सिंपल सी बात है, इंटरनली पैसा ट्रांसफर करते हो तो राउंड यूज करो, कैसे को किसी को देना है तो राउंड ऑफ, किसी से लेना है तो राउंड ऑफ। राउंड करता है वो आपके लिए होता है फ्लोर, नहीं राउंड फॉर्मूला, राउंड सेम बोलते हैं लेकिन यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगता है, वो बोलते हैं उसके। हमारे पास होता है फ्लोर का फॉर्मूला, जैसे कि अगर मान लो कि आपके पास 10 का सिग्निफिकेंट है आपका, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँ 61 या 65 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, या 61 भी लिखा तो 70 होना चाहिए, या फिर 69 लिखा तो 70 होना चाहिए, मैं 10-10 का ग्रुप लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे फ्लोर। फ्लोर नंबर सेलेक्ट कर लो, जितना ग्रुप है वो ग्रुप सेलेक्ट कर लो, 10 का ग्रुप है ना, 10 का ग्रुप डाल दिया हमने, और यहाँ पे क्या हो गया 70 आ गया, अगर मैं 5 करूँ तो 10 हो जाएगा। फ्लोर, ये फ्लोर तो अब नीचे होता है, सेलिंग होता है, माफ कीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए और 10, ये हमेशा अपर की तरफ बढ़ा देगा सेलिंग। अगर आपको नीचे करना है, चाहते हो कि जब तक 70 पूरा ना हो तो 70 ना दिखाए, तो उसके लिए फ्लोर यूज होता है, फ्लोर एंड सेलिंग। जब मान लो कि मोबाइल कॉल्स करते हो, पर मिनट का आपका पर 60 सेकंड का पल्स है, तो आप 1 सेकंड बाद को फिर भी आपको 60 सेकंड का चार्ज देना पड़ेगा, तो उस तरह के कैलकुलेशंस के लिए आप सेलिंग यूज कर सकते हो। सेलिंग के बाद तो ये आपको राउंड समझ में आ गया, राउंड कैसे यूज होता है। अगर मुझे किसी, हमने ये देखा कि डेसिमल प्लेसेस को कैसे कम ज्यादा या फिर हटाया जाता है, अगर मैं चाहता हूं सिर्फ डेसिमल प्लेस को, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस हटाना, मान लो कि आपने पूरे महीने किसी को बिल किया राउंड डाउन में, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें डेसिमल प्लेसेस भी लेके चलना चाहिए, एग्जैक्ट फिगर देना चाहिए, तो मुझे इसमें सिर्फ इसका डेसिमल प्लेसेस अलग करना है इस तरीके से अपना, तो डेटा काफी ज्यादा है तो उसमें अगर आप मैनुअल करोगे तो काफी टाइम लगेगा, तो आप फॉर्मूले के जरिए करोगे एक मिनट में पूरा हो जाए आपका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कई सारे मेथड है। सबसे पहले कि आप राउंड डाउन करो, इसको सेलेक्ट करके कॉमा जीरो कर दिया मैंने, यहाँ पे आपके क्या होगा डेसिमल्स रिमूव हो गए, आप इसको माइनस कर लो, डेसिमल जब थे तो, और जब डेसिमल रिमूव है तो, ठीक है, राउंड डाउन यूज किया मैंने, क्या होगा डेसिमल रिमूव हो जाए, और जब डेसिमल रिमूव हुआ तो दोनों को माइनस कर लिया, या फिर अगर आपको डेसिमल्स रिमूव करने हैं तो आपके लिए एक पद के पास फॉर्मूला होता है इंट का, INT int, वो भी आपका डेसिमल रिमूव कर देता है।
तो उसको ये माइनस कर सकते हो। या फिर एक फॉर्मूला होता है मोड, मोड क्या करता है कि दो नंबर का रिमाइंडर निकालता है। जैसे कि अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो मोड फॉर्मूला क्या करता है, इसका शेषफल रिमाइंडर निकाल के देता है आपको, 2 आया। अब एक मैथमेटिकल थ्योरी है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो शेषफल 0 आता है। अगर वो नंबर डेसिमल प्लेसेस में है तो शेषफल आपका डेसिमल प्लेसेस ही आएगा। तो हम क्यों ना इस पर्टिकुलर नंबर को मोड के अंदर डाले और कॉमा 1 कर दे, मतलब कि हम इस डेसिमल वाले नंबर को 1 से डिवाइड कर दूं ताकि जो जो शेषफल है वो 0 प्लस जो डेसिमल प्लेसेस है 0.36 वो आ जाए। समझ में मोड, तो मोड फॉर्मूला इसके लिए यूज करते हैं। तो डेसिमल निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका रियल में यूज क्या करोगे, चलिए इसके लिए डेट एंड टाइम फॉर्मूला पे हम बैक आते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि एक फॉर्मूला होता है टुडे का जो कि करेंट सिस्टम डेट निकाल कर दे देता है और हर बार चेंज भी होते रहता है। उसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नाउ का जो कि करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दिखाता है। आपके पास डेट का फॉर्मूला है और आपने जब नाउ लगाया तो करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम आपको दिखा दिया, लेकिन सिर्फ टाइम चाहिए तो नहीं है कुछ इसके लिए फॉर्मूला। तो उसके लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे एक तो आप है कि इसको टेक्स्ट के अंदर में सेलेक्ट करके इसमें DHH/MM/SS कर दो, आपका टाइम निकल के आ जाएगा करेंट सिस्टम टाइम। लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा, इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो। आप चाहते हैं नहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेट और टाइम, डेट नंबर होता है, टाइम डेसिमल प्लेसेस होता है। अगर इसमें से डेसिमल प्लेसेस निकाल लूँ तो मतलब क्या, मैंने टाइम को निकाल लिया। तो सेम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, MOD मोड, इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा 1, आ गया डेसिमल प्लेसेस। अब इस पे आप क्या कीजिए, टाइम का फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए, हर सेकेंड चेंज होगा, ठीक है। लेकिन चेंज अपने आप घड़ी की तरह नहीं होगा, जब फॉर्मूला कहीं पे अपडेट कुछ अपडेट कीजिएगा, कुछ टाइप कीजिएगा, तब चेंज होगा। जब फॉर्मूला कैलकुलेट होगा ना तब चेंज होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो राउंड के लिए हमने 3 फॉर्मूले सीखे, राउंड 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 ऑफ राउंड। अब आ रही है 3 सम के फॉर्मूले। मान लीजिए कि आपके पास ये डेटा है, ऊपर आप देख रहे हैं डेटा है आपके पास, जिसमें पूरा डेटा है, मंथ है, और मुझे इसमें मंथ वाइज टोटल चाहिए, टोटल इसका पे आउट का टोटल चाहिए। आप किसी अलग सेल पे किसी अलग सीट पे, मैं कॉपी करता हूँ, एक तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इंसर्ट पिवट यूज कर सकते हो, पिवट में चाहिए और आपने यहाँ पे मंथ रख दीजिए, टोटल पे आउट रखिए, यहाँ पे आपको सम आ जाएगा। लेकिन इसको बार अगर आपका डेटा चेंज होता है तो इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, तो जरा डेटा अपडेट होगा आपका। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप जो है किसी और सीट में जाते हैं, वहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मंथ डाल दिया मैंने, तो इसके लिए हम सम इफ लगा सकते हैं कि कॉल सम इफ, सम इफ में हम सम रेंज, मतलब कि आपको इसके आपको सम करना है। नॉर्मली अगर डेटा आपका है तो उसको सम करने के लिए आप सम यूज करते हो, इक्वल सम अरेंज सेलेक्ट कर लिया, तो वो किसी एक पार्टिकुलर कंडीशन के बिहाफ पे सम नहीं करता है, उसके अंदर जो भी है ओवरऑल सर्च सम कर देता है। जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगाऊँ कि सम पूरा एरिया सेलेक्ट कर लूँ, तो क्या हुआ इसको पूरे को सम कर दिया। लेकिन मुझे सम करना है मंथ के अकॉर्डिंग, सम करना है कि जैन का सम अलग दिखाए, फैब का सम अलग दिखाए, मार्च का सम अलग दिखाए, तो अलग तरीके से आपको सम करना है। तो आपको सम विथ कंडीशन, मतलब कि आपको इसमें कंडीशन अलाउ करने हैं, तो इफ कंडीशन के लिए होता है, तो सम और इफ इकट्ठा लगेगा, तो सम इफ फॉर्मूला। सम इफ सबसे पहले आता है क्राइटेरिया रेंज, मतलब कि जो चेक करना है कि जैन फैब मार्च कहाँ है, वो रेंज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो आप पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा।
फिर आपको मैच क्या करना है, तो मुझे मैच करना है यहाँ पे आप रेल को मैच करना है, आप रेल सेलेक्ट कर लिया। फिर आता है सम रेंज, ठीक है अगर इस पर्टिकुलर कॉलम जो हमारा है, जो हमारा ये जी का कॉलम है पूरे कॉलम में, जहाँ जहाँ उसको जनवरी या अप्रैल मिलेगा तो सम किसका करेगा, तो सम करने वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, मुझे सम करना है इसका टोटल पे आउट का, ठीक है। तो इसने सम निकाल दिया। अगर डेटा जैसे हम चेंज करेंगे ये अपने आप चेंज करेगा अपने आप, तो उसके लिए सम एक का फॉर्मूला लगता है। क्लियर है, सम ही समझ में आ गया। इससे पहले आपको मैंने काउंट भी बता दिया था, और यहां पे काउंट इफ लगाना चाहो कि जो सम आ रहा है उसका काउंट क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे काउंट इफ लगाएंगे कि काउंट इफ हम डेटा में जाएंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे जैन वाले को और इसको यहां पे क्लिक कर देंगे, आपका आ जाएगा, सबका काउंट सेम ही है। हाँ काउंट सब सबका सेम ही है, नहीं आ चेंज है ना, ठीक है इसका यूज करते हैं। अब आ रही आती है मैक्सिमम मिनिमम की। अब मान लीजिए किसी डेटा में से आपको पता करना हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसके लिए यहां पे लगाएंगे मैक्स का फॉर्मूला, मैक्स हम सेलेक्ट कर लेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी 4057 है। ऐसे इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो यहां पे लगाइए मिन, इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक सिलेक्टेड एरिया का मिनिमम और मैक्सिमम पता करना हो तो मैक्स और मिन यूज कर सकते हो। हाँ रो कॉलम दोनों में चलेगा। दूसरा एवरेज निकालना कि भाई एक मान पता करना है मुझे कि इसका एक पर्टिकुलर इसका एवरेज क्या है, टोटल पे आउट का एवरेज क्या है, तो ओवरऑल एवरेज निकालना है तो आप यहां पे एवरेज यूज कर लीजिए, ये आपको ओवरऑल एवरेज दे देगा। अगर आपको कंडीशन पे के मुझे जैन का एवरेज चाहिए, ये तो ओवरऑल 56 आ गया, मैं चाहता हूं इसमें जैन का एवरेज कितना है, तो उसके लिए हम यहां पे एवरेज इफ लगाएंगे। एवरेज इफ हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया जस्ट लाइक सम इफ, यहां से सेलेक्ट कर इसका एवरेज निकाल, तो ये 55 इसका सिर्फ जैन का एवरेज है। इस तरह से इसका एवरेज निकाल सकते हैं हम। अब आ रही आती है कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूला, तो हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा सीखने में। मान लीजिए कि किसी कंपनी से आपने लोन लिया 35,255 रुपए, यानी मान ये तो बहुत 50,000 ले लेते हैं ना, सिंपल सा 50,000 का आपने लोन लिया, 14% का इंटरेस्ट रेट है, 5 सालों में आपको देने हैं, तो आपकी ईएमआई कितनी बनेगी, आपको इसमें से ईएमआई निकालना है कि इसकी ईएमआई कितनी होगी। तो ईएमआई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला पीएमटी का, पीएमटी रेट, जो आपका रेट है उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, क्योंकि आपका मंथली कैलकुलेशन है और जो रेट है क्या ईयरली रेट है, उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, फिर जो टाइम है मतलब कि जो ईयर है उसको मल्टीप्लाई बाई कर दीजिए 12, और फिर आपका पीवी मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपका, ये 50,000 है तो 50,000 में सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर मारिए, तो आपका जो मंथली जो बनेगा 1163 रुपया बनेगा, 1163 रुपया 41 पैसे आप हर महीने जमा करेंगे तो 50,000 का लोन आपका चुकता हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नहीं मैं यहां पे अब यहां पे एक चीज और आती है, तो चलो लोन लिया था मैंने, मैं बोलता हूं कि मैं अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं, मुझे रिटायरमेंट के समय 5 लाख रुपए की जरूरत है, बैंक बोलता है कि आपको हम 11% का इंटरेस्ट रेट देंगे और मैं रिटायर होना चाहता हूँ 10 सालों में, तो मैं अभी पर महीने कितना ईएमआई भरूं जो मेरे रिटायरमेंट के समय 5 लाख रुपए दे दे 11% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 5 लाख रुपए अभी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले में क्या था कि 50,000 रुपए ले चुके हो आप, तो यहाँ भी आपका पीएमटी का ही फॉर्मूला लगेगा, इसमें रेट
सेम कंडीशन अप्लाई होंगे, डिवाइड बाई 12 टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, और यहाँ पे आपका पी वी 0 हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में कुछ मिल नहीं रहा आपको। एफ बी मतलब फ्यूचर वैल्यू, पी वी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफ बी मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो जो 5 लाख रुपए फ्यूचर मिलने वाले हैं आपको, तो इस 5 लाख को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप 2304 रुपए पर महीने 10 सालों तक आप भरेंगे, तो 10 साल बाद जो है आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख ही है ना, क्योंकि तो आपने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है तो अपना रीजन सेलेक्ट कर रखा है यूएस, इंग्लिश यूएस, इसलिए डॉलर आ रहा है। आप चेंज कर लो इसको, इसको आप डॉलर हटा दो, ये तो माइनस भी दिख रहा है आपको, जनरल फॉर्मेट कर लो। अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये आपका माइनस में शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है, तो फाइनेंशियल फॉर्मूला का जितने भी रिजल्ट है वो माइनस में शो होते हैं। और इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप क्या कीजिए इक्वल। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, कैसे है सिंपल सा तरीका है, आपने 10 लिखा हुआ है ना, इक्वल में माइनस लगा के करोगे तो आपका माइनस 10 हो जाता है, हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं पता है हमें, कितनी मैथमेटिक्स तुम्हें पता है, ठीक है। लेकिन आपका अगर डेटा ऐसा है कोई माइनस में कोई प्लस में कोई माइनस में, सबको प्लस में करना है। जैसे कि ये होता है ना कि आपके स्टेट ए आया, इनकम स्टेटमेंट आया, तो इनकम दो तरह से होते हैं, एक तो आपको कैश मिलता है इनकम हुआ, एक तो डिस्काउंट मिला वो भी तो इनकम हुआ, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है पैसा, ये आपका इनकम है। आपकी क्रेडिट कार्ड में मान लो कि आपको 50% का डिस्काउंट मिला, वो भी तो आपका इनकम ही है। तो क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट आएगा उसमें आपका माइनस पे रहेगा, क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट जब आपका डेटा आएगा तो उसमें जो डिस्काउंट वाली चीजें है वो तो माइनस में जाएंगे, और जो बैंक अकाउंट का डेटा है उसमें तो प्लस में रहेंगे आपकी इनकम। तो वहां पे अगर आप इस तरह से करो माइनस, तो जो आपके बैंक अकाउंट में कैश में डेबिट है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो आप चाहते हो माइनस तो प्लस तो प्लस रहे, माइनस वाला प्लस भी हो जाए, मतलब कि इस तरह से डेटा है आपका कि यहाँ पे डेटा है, कहीं कहीं पर आपका माइनस है। तो चाहते जो माइनस है वो प्लस हो जाए, जो प्लस है वो प्लस ही रहे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एवीएस का, एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस को छेड़छाड़ नहीं करेगा, माइनस को प्लस कर लेगा। इनबिल्ट फॉर्मूला इसे यूज कर सकते हो। तो यहां पे अगर माइनस आपको नहीं लग अच्छा लग रहा है कि माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको एवीएस के अंदर में डाल दीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हमने लोन निकाल लिया। अब हमारे पास हम बोलते हैं कि हम यहां पे मैं बोलता हूं कि मैं ईएमआई जो है 1500 रुपया मंथली जमा करूंगा। बैंक बोलती है कि रेकरिंग अकाउंट पे आपको 7% का इंटरेस्ट रेट भी देंगे हम, और आप जो टाइम है आपका वो 3 साल तक जमा करना चाहते हैं। तो 3 सालों बाद 1500 रुपये महीने जमा करने से 7% के इंटरेस्ट रेट पे आपके पास कितना पैसा आएगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला एफ बी का। एफ बी मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू तो कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो एफ बी फ्यूचर वैल्यू, रेट डिवाइड बाय 12 टाइम को मल्टीप्लाई करो 12 से, और आपका पीएमटी जो है उसको सेलेक्ट कर लो। तो आपका 1500 रुपये 3 साल तक जमा करोगे तो 59,895 रुपीस मिलेंगे पीएमटी, हमने इसका पीवी का लगाया था, एफबी का सॉरी, ठीक है। लेकिन लेकिन कोई पर्सन बोलता है कि मुझे महीने महीने जमा करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार में 50,000 रुपए की एफडी मार देता हूं। जब मैं एफडी करता हूं तो बैंक 8.5% जो है इंटरेस्ट रेट पे मुझे इंटरेस्ट देगी, मुझे 8.5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, 50,000 रुपया 3 सालों तक जमा कर रहे हैं, 3 साल बाद कितना पैसा आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप एफडी कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट है एक बार है, उसके लिए आप यहाँ पे एफडी यूज करोगे,
फ्यूचर वैल्यू। आप यहाँ पे रेट को डिवाइड कर दो 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, और फिर आपका पीएमटी 0 है। और पीवी मतलब कि प्रेजेंट मैं बैंक को 50,000 दे रहा हूँ, तो पीवी 50,000 हो जाएगा। सेलेक्ट करके एंटर मारिए, ये आपको रिजल्ट आ जाएगा। 50,000 रुपये 8.5% से 3 सालों के लिए आप देते हैं तो 64,465 रुपये आपको वापस मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ और करते हैं। अभी क्या है कि आपने आपको बैंक ने जो है 60,000 रुपये दिए, रेट के लिए पूछा तो रेट बता रहा है कि वो 8.5% इंटरेस्ट रेट दिया है। ठीक है, और टाइम आपको याद है कि आपने 4 साल पहले पैसा जमा किया था, बट अमाउंट याद नहीं है हमको। 60,000 रुपये आपको मिल चुके हैं। या भी आप ये समझो ना कि आप पेंशन प्लान कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि मैं महीने महीने ना दूं, मैं मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 8.5% रेट मिल रहा है और मैं रिटायर 10 साल बाद होने जा रहा हूँ, तो मैं इतना कितना रुपए एफडी मार दूं ताकि ये 8.5% के रेट पे 10 सालों में मेरा 5 लाख मिल जाए, एफडी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो पीवी आपको निकालना पड़ेगा। पीवी में आपका हो जाएगा रेट डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, यहाँ पे पीएमटी आपका हो जाएगा 0 और यहाँ पे पीवी आपका हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा आपका 5 लाख रुपये। तो आप 2,14,348 रुपया जमा करते हो तो 10 सालों में 8.5% के इंटरेस्ट रेट पे 5 लाख रिटर्न होगा। तो इस तरह से आप फाइनेंशियली कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, और मेरे नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए तो हम यहाँ पे ये हो रहा है ना डिवाइड बाई 12 कर रहे हैं। सिंपल करना है तो 12 मत करो डिवाइड। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला बहुत सीख लिया हम लोगों ने, अब आगे सिखाऊंगा तो सर के ऊपर से जाएगा। तो एनपीआर कितने टाइम में डबल हो जाए, हाँ तो ये भी निकाल सकते हो ना। देखिए अच्छा बोला, अब जैसे कि ये आपका 25,000 रुपये है आपका पीवी, एफबी आपका है 50,000 रुपये। ठीक है, रेट आपका मान लीजिए कि 9% है, आपको टाइम निकालना है, टाइम नहीं पता क्या कितने साल में डबल होना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है एनपीआर नंबर ऑफ पेमेंट इंटरवल रेट, रेट इसको डिवाइड बाई 12 कर दीजिए, पीएमटी 0 है, पीवी आपका जो है प्रेजेंट वैल्यू आपका 25,000 है और फ्यूचर वैल्यू आपका यहाँ पे 50,000 है, रिजल्ट आपका गलत देगा क्योंकि इसको एक फॉर्मूला एक इनपुट पीवी एफबी में से माइनस में चाहिए। तो आप 50,000 या 25,000 को माइनस में कर दीजिए, दोनों को मत कीजिएगा, एक को माइनस में कर दीजिए। क्या आ गया 92 पॉइंट कुछ महीने आ गए, इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, 7 साल कुछ महीने हैं, एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, 7 साल कुछ महीने मान लीजिए, एग्जैक्ट किसी में नहीं दिखता। तो 10 साल में भी डबल नहीं हो रहा है, परसेंटेज है, परसेंटेज है, वहाँ पे 8.5% है, यहाँ पे 9% है, आधा परसेंट का फर्क हो गया ना। तो डबल नहीं है ना, ये कम है ना, 2,14,000 ही है ना, डबल से ज्यादा हो गया ना, 2,500 थोड़ी है, इसलिए कुछ साल का डिफरेंस दिख रहा है।
अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो आप एक वेबसाइट जाइए, हर महीने के हिसाब से आप कर लीजिए इसको कैलकुलेट, जो कि मैंने बताया था इससे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे करते हैं। अब फॉर्मूला हम रहने देते हैं, अब कुछ एक्सेल के कुछ कमांड्स है उसके बारे में सीख लेते हैं, इसके बाद कुछ चार्ट्स पे कुछ सीखेंगे, उसमें प्रैक्टिस पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बहुत सारी चीज़ें कराई थी, इसमें आपका आता है डेटा, डेटा मेनू आप देख लीजिए, इसमें आता है गेट एक्सटर्नल डेटा। आप लोग वेबसाइट से कोई डेटा है कॉपी पेस्ट करते होंगे, करते हैं तो अगर आप चाहो कि डायरेक्ट लिंक कर लो कि वेबसाइट का जो डेटा है डायरेक्टली आपके एक्सेल से लिंक हो जाए, तो उसके लिए आप यहां से यूज कर सकते हो गेट एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम वेब। मान लीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक बार दिखा, एक मिनट इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूं मैं पहले। हमारे पास एक गूगल फाइनेंस है, गूगल फाइनेंस का एक वेबसाइट है जहां पे करेंसी का रेट्स आते हैं लाइव। यहां पे स्टॉक मार्केट के रेट्स हैं वो आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक तो मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी जो सीट है डेटा है जैसा इस पे दिख रहा है वैसा पेस्ट हो जाए। लेकिन याद रखिएगा इसकी जो ग्राफिकल और फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, सिर्फ डेटा आएगा। तो यहां पे हम गेट एक्सटर्नल जाएंगे फ्रॉम वेब, और इस पे यहां पे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल गया, और इसमें आप कंट्रोल ए करके कंट्रोल ए इसको पेस्ट किया एंड यहां से हमने इसको गो पे क्लिक किया। इस पे करने से क्या होगा कि आपका ये जो गूगल का पेज था यहां खुल के आ जाएगा, आ गया। अब आपको देखिए यहां भी येलो कलर का निशान दिख रहा होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए जब आपका ये इंस्टॉल ये हो जाए। इंपोर्ट पे आ जाए तो अब पूरा का पूरा चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिए, पूरा आपका सिलेक्ट हो गया, अब वो इंपोर्ट कर दीजिए। ओके कीजिए। ये पूरा डेटा देख रहे हैं कॉपी पेस्ट हो गया, पर डेटा को भी पेस्ट होगा, फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं कॉपी पेस्ट होगी। लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं, क्या होता है कि मान लीजिए जो आपका वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट में से जो वर्ल्ड मार्केट है या फिर करेंसीज है या बॉन्ड है या स्टॉक समरी है, उसको कुछ एक पार्ट को चाहिए होता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे वर्ल्ड करेंसी को लेते हैं, मनी क्रम के काम में करेंसी का आप लेते हैं, तो आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पे करेंसी लाइव चेंज होती रहती है, तो मुझे एक करेंसी जो है ना सिर्फ करेंसी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम वेब, इसमें मैं पेस्ट करूंगा पेस्ट किया एंड गो, तो यहां पे देखिए जो येलो पूरा वाले पे क्लिक करने के आप इसको अगर नीचे अगर बड़ा करके देखोगे ना तो यहाँ पे जहां तहां ये सब येलो निशान दिखेंगे, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इतना एरिया कवर, सिर्फ इतना ही एरिया आएगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे करेंसी चाहिए, तो करेंसी वाले एरो निशान पे क्लिक कर दिया,
तो सिर्फ करेंसी का निशान ही अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही डेटा आएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा। तो इम्पोर्ट किया है, ओके। आ गया। अभी जैसे कि राइट क्लिक कीजिए, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अगर वेबसाइट पे चेंज हुआ होगा तो यहाँ भी अपने आप को चेंज कर लेगा, जैसे वहाँ चेंज हुआ ये अपने आप को चेंज कर लेगा। तो हर बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हो कि पर्टिकुलर इतने घंटे बाद या इतने मिनट बाद अपने आप रिफ्रेश हो जाए। तो उसके लिए आप डेटा पे जाइए, यहाँ पे देखिए तो हो गया, ये कनेक्शन दिखेगा ऊपर पे, कनेक्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे हम कनेक्शन को सिलेक्ट किए, यहाँ पे कनेक्शन ऑन को, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ देखिए रिफ्रेश एवरी मिनट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 60 घंटे मिनट डाला हुआ, एक घंटा आप यहाँ पे 2-3-4 मिनट जो मिनट डालना चाहते डाल लीजिए। तो उतने मिनट बाद ऑटोमेटिकली वेबसाइट से डेटा आउट के आपके एक्सेल शीट में आ जाना, आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बारी बात करते हैं यहाँ पे हम एडवांस फिल्टर की। हमने कल नॉर्मल फिल्टर पढ़ा था, आई थिंक नॉर्मल फिल्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एडवांस फिल्टर के बारे में हम जानते हैं। एडवांस फिल्टर फिल्टर ही होता है, लेकिन फिल्टर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए ना, अगर आपको यहां से अगर लैपटॉप चाहिए, यहां से आप लैपटॉप सेलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हो, लेकिन मुझे लैपटॉप का रिजोल्यूशन यस चाहिए या फिर अपसेल की वैल्यू ग्रेटर देन 15 चाहिए, कई सारे कंडीशन आपके पास है। अब अगर ज्यादा कंडीशन होगा तो दिक्कत होगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं सारा यहाँ से हेडिंग लिया, हेडिंग को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे लैपटॉप भी चाहिए, प्रोडक्ट में लैपटॉप भी चाहिए, मुझे यहाँ पे मॉनिटर भी चाहिए और मुझे डेस्कटॉप भी चाहिए। तीन प्रोडक्ट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, उसका रीजन बेस्ट होना चाहिए, मॉनिटर का पूरा रीजन चाहिए, सारा चाहिए, और लैपटॉप जो है वो इस रीजन का होना चाहिए, डेस्कटॉप इस रीजन का होना चाहिए। कस्टमर, मैं चाहता हूँ कि इसमें सबका कस्टमर सेम हो, सिर्फ डेस्कटॉप का जो कस्टमर है वो एसएमई होना चाहिए। कॉल ड्यूरेशन, तो मैंने बोला कि मॉनिटर का कॉल ड्यूरेशन ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। फिर रिजॉल्व में मैंने बोला रिजॉल्व यस चाहिए, यहाँ पे यस यस यस, सिर्फ इसका नो चाहिए, बाकी अपसेल वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 200 होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन 100 होना चाहिए, बाकी सारा डेटा चाहिए। अब ये डेटा आपको कॉपी करके पेस्ट करना है एक जगह पे, मैंने किसी आपका जो डेटा है पूरा ओवरऑल डेटा है, इस ओवरऑल डेटा में से किसी ने आपसे डेटा मांगा है इतना, ये मुझे रीजन डेटा तीन प्रोडक्ट का डेटा दे दो, लैपटॉप मॉनिटर डेस्कटॉप, लैपटॉप का रीजन बेस होना चाहिए, मॉनिटर का पूरा रीजन सारे दे दो, उसमें कोई छोड़ना नहीं है, और डेस्कटॉप में आपका इस रीजन का चाहिए, डेस्कटॉप इस रीजन के साथ साथ उसका कस्टमर टाइप एसएमई भी होना चाहिए, शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेस, लेकिन मॉनिटर कॉल ड्यूरेशन ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपको मिल गए हैं, तो आपको ये वन बाय वन में फिल्टर करके एक के नीचे एक डेटा पेश करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन एडवांस फिल्टर से ये आसान हो जाता है। कैसे, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा डेटा को, एडवांस फिल्टर, इसमें अभी आता है क्राइटेरिया रेंज, जो आपने क्राइटेरिया बनाया है ना वो हेडिंग के साथ इसके अंदर सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको कॉपी भी किसी अदर लोकेशन पे करना है तो यहाँ पे कॉपी टू अदर लोकेशन, मुझे कॉपी यहाँ पे करना है, यहाँ पे लिंक दे दिया। जैसे ओके करोगे डेटा वहां से सेम पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाफ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देगा, बस एक क्लिक पे। यहाँ पे मैच कर लो कि लैपटॉप है वेस्ट का, मॉनिटर नॉर्थ का, लेकिन इसमें गिरे का कॉलोरेशन ग्रेटर देन 80 है, यस वाले हैं, नो वाले कोई नहीं दिखेंगे, नो वाले इसमें। अगर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप जहां जहां भी होगा सारा नो वाला होगा, ठीक है। तो डेटा आपका इजीली बेस के, जब आपके पास मतलब डेटा अगर देखना है उसके अलग अलग कंडीशंस है तो उसके लिए उसकी कंडीशन की एक लिस्ट इस तरह से बना लो हेडिंग के साथ, और एडवांस फिल्टर आप यूज कर सकते हो।
ठीक है, क्लियर है? दोबारा करके दिखाऊं? ठीक, तो आपका एडवांस फिल्टर था। टेक्स्ट टू कॉलम मैंने आपको बताया ही है टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम में एक चीज और देख लीजिए, जब हम डेट डालते हैं यहाँ पे 20 मान लीजिए कि डेट कुछ इस तरीके से किसी ने डाल दिया, आपके पास हमेशा आता होगा, इस तरह से डेट आता होगा, अब इस डेट पे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जोड़ घटाओ गुणा भाग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर डेट नहीं है, एक टेक्स्ट है, क्योंकि इसमें डॉट लगा हुआ है इसलिए टेक्स्ट कहलाया है। दूसरा ए है आपका डीडी एमएमओआई में, पहले डेट है फिर मंथ है फिर ईयर, अगर डैश को डॉट को डैश में रिप्लेस भी कर दो, इसे स्लैश में रिप्लेस भी कर दो, फिर भी ये आपका डेटा टेक्स्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, इसको सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर डेट दिखेगा जहां पे MDY बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा, उसको चेंज कीजिए, यहां पे कर दीजिए DMY, डेट मंथ ईयर एंड फिनिश, आपका कन्वर्ट होकर डेट बन जाएगा, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब चीज कर सकते हो। समझ में आ गया? इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो, अगर डेट किसी ने डॉट डॉट करके भेज दिया है उसका आप कन्वर्ट करके अपना पर्टिकुलर डेट बना लोगे, जिससे आप आगे कैलकुलेशंस और समराइज वगैरह ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हो आगे चल के टेक्स्ट टू कॉलम। अब बारी आती है डेटा वैल्यूएशन की। अब मान लीजिए कि हम कोई डेटा एंट्री करने के लिए एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम, सही है, मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फोन नंबर, मोबाइल नंबर। प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल नंबर जो है, कोई मोबाइल नंबर जब लिखते समय लोग गलती क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, कोई एक डिजिट छोड़ देते हैं या ज्यादा लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ कोई टाइप करे तो 10 डिजिट से कम या ज्यादा टाइप करे तो एंट्री एक्सेप्ट ही ना करे। कंडीशन वोटिंग में क्या क्या था कि अगर गलती करते हुए या कंडीशन मैच नहीं करता तो हाईलाइट कर देता था, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट ना करे, एंट्री एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो पूरे के पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए डेटा वैल्यूएशन आपको दिख रहा होगा, डेटा मेनू बार के अंदर में डेटा वैल्यूएशन होता है, क्लिक कीजिए यहाँ पे एनू वैल्यू की जगह आप टेक्स्ट लेंथ दे दीजिए, क्योंकि आपको 10 डिजिट करेक्टर चाहिए, 10 डिजिट चाहिए ना, लेंथ है ना टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट लेंथ आइए और यहाँ पे कंडीशन चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल बिटवीन, उस कंडीशन में आप इक्वल इक्वल सेलेक्ट करके यहाँ पे 10 डाल दीजिए एंड ओके। अब यहाँ पे मैं अगर डालता हूं एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, इसमें गलत एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप वेरीफाई हो भी कम से कम नंबर गलत है सही पता है, लेकिन 10 डिजिट तो है, ऐसे अगर अकाउंट नंबर टाइप करते हो तो डिजिट मेंटेन कर सकते हो आप। अब इसके आगे जो है हम यहाँ पे MRP लिख रहे हैं। अब MRP में क्या है कि मैं डेसिमल प्लेसेस नहीं लेना चाहता, नेगेटिव में वैल्यू नहीं होनी चाहिए और डेसिमल प्लेसेस नहीं होना चाहिए, मैं राउंड फिगर यहाँ पे डाल, डेसिमल में कोई डाले तो राउंड मैंने राउंड फिगर एक्सेप्ट करे, डेसिमल एक्सेप्ट करे ही ना करे। तो इसके लिए हम डेटा वैल्यूएशन यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आता है होल नंबर, सेलेक्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन ओके। अब यहाँ पे अगर मैं कोई डेसिमल प्लेसेस में नंबर टाइप करूं तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंट्री एक्सेप्ट कभी करेगा जब मैं इसमें राउंड फिगर डालूंगा या माइनस में कोई फिगर डालूं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इससे डेटा सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाती है। उस तरह से सिटी है, अब क्या है कि सिटी में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या प्रोडक्ट लिस्ट है, कोई एक लिस्ट है 8-10 बंदों की तो डरवाते हो आप, हो सकता है उसमें से आप कोई फीडबैक होता है कि भाई इस तरह का फीडबैक होते हैं, फीडबैक का एक कैटेगरी होता है, तो एक आपके लिस्ट बने हुए हैं
तो मोस्टली क्या करते हैं कि लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो मेरी कंपनी मान लो कि 5 सिटी में काम करती है, तो मैं चाहता हूँ इसमें से सिर्फ 5 सिटी ही डाल सके बस। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक होता है लिस्ट, लिस्ट को क्लिक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो सिटी लिस्ट है, खाए अगर कहीं पे टाइप किया हुआ है तो सिलेक्ट कर लो, यहाँ से इस तरह से जाओ सिलेक्शन बना लो। अगर नहीं टाइप किया हुआ नहीं है तो मैनुअल टाइप करना चाहते हो तो टाइप कर दो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ न्यू दिल्ली, कॉमा लगाइए, या पुणे, नोएडा, पटना, कानपुर, टाइप कर दिया, देन ओके। अब यहां पे एक तो यहां पे आपको ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा, टाइप करने की जरूरत नहीं है, यहां सेलेक्ट करके कॉमा बॉक्स की तरह इसको यूज कर सकते हो। अगर आपने टाइप किया भी तो गलत टाइप करोगे तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा आपसे, क्लियर है। उसी तरीके से अब यहां पे मेरे पास जो है अकाउंट नंबर में टाइप करना चाहता हूं, तो अकाउंट नंबर मैं चाहता हूं कि कोई टैक्स एंट्री ना करे। जैसे होता है ना कि आप कोई बैंक नाम HDFC और अकाउंट डिटेल लाओ, टैक्स नंबर होना चाहिए, डिजिट तो हम कर ही लेंगे लेकिन नंबर होना चाहिए। तो किसी सेल में डली गई वैल्यू टैक्स है कि नहीं है कैसे पता चलता है, नंबर है कि नहीं कैसे पता चलता है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है इज न्यूमेरिक, इज नंबर या इज नॉन टैक्स या इज नंबर। अगर नंबर होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर नंबर नहीं टेक्स्ट हुआ तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो यहां पे जब हम कंडीशन लगाएंगे, अब यहां पे क्या है कि डेटा वैल्यूएशन जाके हमने चेक किया कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है टेक्स्ट का, तो इसमें कस्टम दिया हुआ मतलब इसमें हम फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। तो कंडीशन वर्ल्ड में बताया था जब भी फॉर्मूला एंटर करो तो आप एक सेल सेलेक्ट करो, ऐसे डेटा वैल्यूएशन में भी अगर आप यहां पे कोई फॉर्मूला एंटर करते हो तो सिलेक्शन एक सेल ही होना चाहिए। यहां पे सेम फॉर्मूला लगा दो कि इज नंबर ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट करो एंड ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है, इक्वल ट्रू करने की जरूरत नहीं, अपने ऑटोमेटिकली होता है। उसको इसको कॉपी कीजिए और जहां तक है वहां तक जाइए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे पेस्ट स्पेशल में आप वैलिडेशन ले लीजिए, देन ओके कीजिए। अब यहां पे अगर टेक्स्ट टाइप करोगे तो यहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब एक चीज और है कि जब यहां पे हम एंट्री कोई मोबाइल नंबर या कुछ डालते हैं, गलत चीज डालते हैं, तो यहां पे जो मैसेज पॉपअप बार जो मैसेज देता है वो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने लगाया है, आप लोग एक्सेल जानते हैं, समझ जाओ। कुछ ऐसे पर्सन जिसको एक्सेल बिल्कुल पता नहीं तो सीधे बोला कि एक्सेल क्रैश हो गया है, आई टीम को टिकट भेज करेगा, बुलाया वाला एक्सेल को रिप्लेस करो, क्या एंट्री इसमें डल रही, इसमें क्यों नहीं डल रही है। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ, कुछ अपना मैसेज डालना चाहता हूँ ताकि सामने वाले को समझ में आए कि वो गलती क्या कर रहा है। तो उसके लिए जब हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग सॉरी डेटा वैल्यूएशन जब लगाया था, इसी में आपका एक इनपुट मैसेज आता है। कल ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट कमेंट, कमेंट क्या करता है कि आपका एक कमेंट हो जाता है, एक कमेंट कब दिखेगा, जब मैं इस पर कर्सर ले जाऊंगा माउस पॉइंटर, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कीबोर्ड से सेलेक्ट करते हैं, तो कीबोर्ड कर्सर ले आते हैं, एक कमेंट नहीं दिखता है। मैं चाहता हूं कि इस कॉलम में जहां भी कीबोर्ड का कर्सर जाए तो उसको दिख जाए, क्योंकि जरूरी है माउस ले जाके देखेगा ही हूं, ये मुझे दिखाना है तो कर्सर तो कुछ टाइप करने के लिए कर्सर तो ले ही जाएगा। तो उसके लिए भी हम डेटा वैल्यूएशन यूज करेंगे, डेटा वैल्यूएशन यहां पे इनपुट मैसेज के अंदर में लिख देंगे, टाइटल दे दीजिए यहां पे एन भी लिमिटेशन है, अगर कम ज्यादा है इसको कट करके नीचे डाल दीजिए, फिर टाइटल छोड़ दीजिए, ओके कर दीजिए। जैसे जो कर्सर जाएगा ना तो नीचे दिख जाएगा, दिख रहा है, इसका यूज कर सकते। इसके बाद भी कोई गलत टाइप करता है तो उसके लिए आपको अलर्ट में आइए।
अलर्ट में यहाँ पे जो मैसेज टाइटल देना चाहते हैं दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ गलत टाइप करके एंटर मारूंगा मैं खुद का मैसेज आएगा। इसके भी कई टाइप है, वो आपकी ये बोल देते हैं कि अगर आप स्टॉप मतलब कि किसी भी कंडीशन में एंट्री नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे वार्निंग कर दूँ तो क्या होगा कि आप जब गलत डालोगे तो आपको वार्न करेगा, आपने यस पे क्लिक कर दिया तो आपकी एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि किसी में नंबर में मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर एक ही बना रखा है आपने, तो टेलीफोन नंबर तो 10 डिजिट का नहीं होता है, तो उसमें उसको वार्निंग देगा तो समझ में आ जाएगा अच्छा मोबाइल नंबर अगर उस मोबाइल नंबर गलत डाल रहा है तो एक बार चेक तो कर लेगा। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन, जस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो डेटा एवलुएशन की आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है गोल सीक। गोल सीक देख लीजिए, मान लीजिए आप अपने जो आपका जो खर्चा है कहीं गए थे, खर्चे का हिसाब लगा रहे हो, ऑफिशियल वाउचर्स बना रहे हो, आपने सम किया इन सबों का, तो यहां पे 154 आया, लेकिन आपने 200 रुपए खर्च किए, आपको पता नहीं चल रहा है कि 200 रुपए खर्च कहाँ किए, तो आपको इस 12 में चेंज करना है, इतनी वैल्यू ऐड करनी है ताकि सबका रिजल्ट 200 आ जाए। तो छोटा मोटा है डेटा तो आप तो चलो अंदाज लगा लोगे, जहाँ डेटा लाखों करोड़ों में होगा वहाँ दिक्कत होगा। तो आपको ये चेक करना है कि आपको 12 के अंदर में या किसी भी एक चीज को सिलेक्ट करो जिसको चाहते हो उसके अंदर में इतनी वैल्यू ऐड कर दे ताकि सबों का सम 200 बन जाए। तो इसको बोलते हैं गोल सीक। इसके लिए हम जहां पे आपको चेंज करना है कर्सर रखिए और यहां पे आइए, सॉरी यहां पे वाटर एनालिसिस के अंदर में गोल सीक। गोल सीक में यहां पे आप टारगेट डालिए कि मुझे 200 का टारगेट है और फिर यहां पे अपना सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कीजिए। जैसे आप माफ कीजिएगा इसमें एक ही पूरा सिलेक्ट नहीं होगा, एक ही होगा सिलेक्ट, वो एडवांस गोल सीक में होता है। हमने बोला 12 को चेंज करना है देन ओके, तो 58 करके 200 कर दिया इसको। ठीक है, एक सॉल्वर होता है, देखिए सॉल्वर आई थिंक आप लोगों के पीसी में नहीं होगा, वो एडेंस होता है, वो पायरेटेड वर्जन में कम ही मिलता है तो सीखने का कोई फायदा नहीं। गोल सीख होता है तो उसके लिए गोल सीख यूज करते हैं। इसके लिए समय आया, अब थोड़ी सी प्रिंटिंग पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने प्रिंटिंग में डिस्कस नहीं किया है, आप लोगों का प्रिंट आउट का ज़्यादा काम होता है, थोड़ी सी प्रिंटिंग डिस्कस करेंगे फिर हम चार्ट डायनेमिक चार्ट पढ़ेंगे। अब जैसे इसको प्रिंट निकालना आपको तो आप इसको सबसे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू में जाओ और प्रिंट प्रीव्यू में जाकर चेक करो अपना प्रिंट का प्रीव्यू। तो देखिए आपका जो अपसेल पूरा आ रहा है यहाँ पे, अपसेल तक आ रहा है। अब इसमें साइड दोनों साइड जो दिख रहे हैं मार्जिन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे सो मार्जिन पे क्लिक करोगे तो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ देखिए सेट कर सकते हैं। एक कट रहा था एजेंट आईडी, सेट मार्जिन सेट करने से हमारा एजेंट आईडी वापस आ गया। ठीक है, ये आपका जो होता है ये आपका पेज का अपर मार्जिन होता है, ये आपका पेज का लोअर मार्जिन होता है, बीच में जगह देख रहे हो ये आपका हेडर एंड फुटर होता है। अगर आप हेडर फुटर डालना चाहते हो तो आप चाहते हर पेज में हिडर आए तो उसके लिए आप दो तरीके, एक तो आप पेज लेआउट पे चले जाइए, यहाँ पे आपके हिडर आते हैं। हिडर तीन तरीके होता है, मतलब कि एक लेफ्ट सेंटर राइट, तो यहाँ पे कुछ टाइप करना, जैसे राइट में टाइप करना चाहता हूँ डेली सेल्स डिटेल, टाइप कर दीजिए। यहाँ पे अगर कुछ और चीज़ डालना चाहते हो, कुछ और जो पिक्चर वगैरह डालना चाहते हो तो पिक्चर लगा यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर की साइज़ देख लीजिएगा, पिक्चर की साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए वरना फिर वो डेटा को ओवरराइट कर देगा फिर।
ठीक है, ये हो गया। अब फुटर में आइए, अब हर हेडर में आएगा, फुटर में, फुटर में मैं चाहता हूँ पेज नंबर डालना, तो हर किसी का पेज नंबर 1 2 3 4 इस यहाँ देखिए, आप देखिएगा यहाँ 2 आ गया होगा, 2 3 4 इस दिख जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि होता है ना वन ऑफ टोटल पेज, 1 of 10 2 of 10 3 of 10 ऐसा डालना चाहते हो, तो इसी में आप ऑफ लगाओ और इसमें आप नंबर ऑफ पेजेस लिख दो। तो 1 of 316 यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे नीचे आप यहाँ दिखेगा, नीचे जाओगे नीचे दिखेगा, हर जगह 2 of 3 of। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा, आपका प्रिंटिंग का करेंट टाइम दिखे कि प्रिंट कब हुआ था, डेट एंड टाइम, तो डेट यहाँ पे डेट डालेगा तो डेट आएगा, टाइम डालेगा तो टाइम आएगा, कि आपका प्रिंटिंग टाइम क्या है एग्जैक्ट। उसके बाद आप चाहते हो कि प्रिंटिंग पाथ, फाइल पाथ, ये फाइल किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कहाँ सेव है, तो उसका पाथ भी दिखेगा। जब होता है वेबसाइट से आप जब प्रिंट कोई करते हो, वेबसाइट ईमेल आईडी और प्रिंट करते हो, तो नीचे देखते हो पूरा ईमेल आईडी का पाथ आता है, उस तरह का पाथ अगर आप करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। ऐसी फाइल नेम, सीट नेम, पिक्चर यहाँ से यूज कर सकते हो, सेम हेडर एंड सेम फुटर भी यूज करोगे। अब इसके इसका वापस नॉर्मल व्यू में क्लिक, यहाँ पे क्लिक कीजिए नॉर्मल पे, तो नॉर्मल व्यू में वापस आप आ जाएंगे। अब प्रिंटिंग में जाके प्रीव्यू देखते हैं इसका, प्रीव्यू देख रहे हैं, फुटर भी आ गया। अब फुटर में के लिए हम जगह कुछ ज्यादा दे दी है, तो थोड़ा सा जगह कम कर लीजिए, यहाँ से कम हो गया। दूसरी चीज है कि जब नेक्स्ट पेज करते हो तो ऊपर का हेडिंग गायब हो गया, अब आपको ऊपर का हेडिंग नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना, कलर आईडी नेम वगैरह। आप चाहते हैं जो ऊपर का हेडिंग है आपका वो हर पेज में रिपीट हो, जो एक कॉलर टाइम प्रोडक्ट डिजन जो आ रहा है वो आप चाहते हो कि आपके हर पेज में रिपीट हो, तो इसके लिए कैसे करोगे? इसके लिए आपको, आप यहां पे आओ पेज लेआउट के अंदर में, इसमें आपके पास आता है प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल सिलेक्ट करो और यहां पे रिपीटेड रो आ रहा है इसमें सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कीजिए। अगर मैं यहां पे वापस प्रिंट व्यू करूं तो यहां पे दिख रहा है नेक्स्ट पेज, तो सारे में फ्रीज हो गया, सब में आएगा, आपका ऊपर का हेडिंग एवरी पेज में आएगा प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद पेपर का साइज डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पेपर का साइज लगा हुआ है प्रिंटर के अंदर में, या फिर आप पेपर का जो ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, मार्जिन सेट कर सकते हो, जैसे लेटर वगैरह का एक स्पेशल मार्जिन होती है तो यहाँ पे मार्जिन सेट कर लो एग्जैक्ट मार्जिन। अगर आप बैकग्राउंड, लेकिन बैकग्राउंड डालने में तो फायदा नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड जब डालते हो तो वो प्रिंट में नहीं आता है, जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड डाल दिया, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है लेकिन नीचे दिखेगा, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आया, यहाँ पे कलर कर दो तो छुप जाता है, हटा दीजिए बैकग्राउंड। एक चीज़ और आता है कि हम जब प्रिंट करते हैं तो मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर एरिया है प्रिंट में आए, जैसे कि सैलरी स्लिप या कोई ऐसे स्लिप्स बनाते हो तो नीचे की चीज़ जो चाहते हो, नीचे की चीज़ आप चाहते हो कि आपका डेटा में ना आए, सिर्फ आपका एक सिलेक्टेड एरिया ही प्रिंट में आए। जैसे ये हुआ ना, मेरा ए डेटा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रिंटिंग में पर्टिकुलर यही डेटा प्रिंट, बाकी अगर यहाँ पे कुछ और डाला हुआ है तो ये बाकी जो चीज़ें प्रिंट में ना आए, सिर्फ मैं इतना एरिया को प्रिंट में करना चाहता हूँ। तो दो तरीके, एक तो सिलेक्शन कीजिए, प्रिंट का वहाँ देते समय यहाँ से सिलेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए, तो इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया में प्रिंट होगा। लेकिन आप फिक्स करना चाहते हो कि नहीं इतना ही हमारा फिक्स हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज लेआउट में सेट प्रिंट एरिया आता है, प्रिंट एरिया को आप सेट कर लो। अगर प्रिंट व्यू जाकर देखोगे आप तो सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट में आएगा, बाकी एरिया प्रिंट में नहीं आएगा, तो उसके लिए आप सेट प्रिंट एरिया यूज कर सकते हो। आप प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, सबसे पहले आता है पेजेस। एक तो आप कंप्लीट जितने भी पेजेस इसके अंदर में सारा निकाल दो, या फिर आप 1 to 2 2 to 3 इस तरह से निकालना चाहते हो यहां से निकाल सकते हो। दूसरा, नंबर ऑफ कॉपीज, कि एक पेज की कितनी कॉपी होनी चाहिए वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। सिलेक्ट एन एक्सेसिव या इग्नोर प्रिंट एरिया, मतलब कि आपको प्रिंट एरिया आप वन टाइम के लिए पूरा सीट प्रिंट करना है तो प्रिंट एरिया, प्रिंट सेट एरिया को आप अब जो है क्लीन मत कीजिए, प्रिंटिंग में आप यहाँ से इग्नोर प्रिंट एरिया कर दीजिए,
जैसे क्या होगा कि फिर इस लाइन को नहीं मानेगा, वो जो अपने आप नॉर्मल प्रिंट होता है नॉर्मल प्रिंट करेगा। एंटायर वर्कबुक जब क्लिक करोगे तो जो चार शीट है ना, चारों शीट के प्रिंट कर देंगे, एक ही कमांड में चारों शीट प्रिंट कर देगा। जैसे एक ही आपने, आपके पास अगर फॉर्म है तो जैसे कि कंपनी में क्या होती है, ज्वाइनिंग फॉर्म होते हैं, तो चार शीट पे अलग अलग फॉर्म बना के रखते हो, तो चार बार अगर किसी को ज्वाइनिंग होती है तो चार फॉर्म देने उसे, तो चार बार अलग अलग प्रिंट करने अच्छा है कि वो एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे एंटायर वर्कबुक पे क्लिक कर देते हैं, चारों चार सीट ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है एक ही कमांड में। कोलेट, जैसे मैंने बोला एक को लेकर, एक से लेकर पाँच तक के प्रिंट निकालना है आपको, और इसके तीन तीन कॉपी निकालने हैं। कोलेट करने से क्या फ़ायदा है कि पहले वो एक से पाँच का सेट निकालेगा, फिर एक से पाँच से तीन बार करेगा। अगर मैं ऐसे कोलेट हटा दूँ तो ये क्या करेगा, एक का तीन कॉपी निकालेगा, पेज नंबर टू का तीन कॉपी निकालेगा, बाद में उसको आपको कोलेट करना पड़ेगा। तो कोलेट लगा दोगे जैसे आपको स्टेपल करना है और कोलेट अपने आप कर लेगा, क्लियर है। अब एक चीज़ और आती है प्रिंटिंग पे ही, आई थिंक मुझे आपको बताना चाहिए, लेकिन वो एमएस वर्ड से है। आप लोग एमएस वर्ड पे काम करते हैं, जैसे एमएस वर्ड पे जब प्रिंट करते हैं, यहाँ पे आपके पास पेजेज हैं, नीचे होता है ऑल पेजेज, यहाँ पे आपने लिख दिया ऑल पेज लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास होता है ऑट इवन। तो मल्टी साइड प्रिंट, डबल साइड जो प्रिंटिंग होती है, बहुत सारी प्रिंटिंग होती है, उसके लिए प्रिंटर एक अलग होता है जो अपने आप पेपर को दोनों साइड में प्रिंट करके निकालता है। लेकिन आपके पास नॉर्मल प्रिंटर है, उससे भी आप बहुत सारी प्रिंटिंग कर सकते हैं। कैसे करोगे, एक बार क्या कीजिए कि आप एक बार ऑल्ट पेज सेलेक्ट करके प्रिंट कर दीजिए, तो क्या होगा, एक तीन पाँच सात ऐसे प्रिंट कर देगा, पेज को लीजिए उल्टा कीजिए वापस लगा दीजिए, देन आप इवेंट नंबर प्रिंट कर लीजिए, तो सारे इवेंट नंबर प्रिंट कर देगा, तो आपको एक के नीचे प्रिंट हो जाएगा, एक के पीछे प्रिंट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक कमांड मारा प्रिंट नंबर वन मारा कि पेज उल्टी फिर लगाइए, वन बाई वन करने की जरूरत नहीं है, तो ऑड इवेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर और इवन अगर आप एक्सेल पे करोगे, सर एक्सेल पे कैसे करें हम, तो एक्सेल पे ऐसा ऑड इवन का सिस्टम नहीं है, लेकिन आप जो है प्रिंटर के जरिए कर सकते हो। जैसे ये प्रिंट कमांड लगाते हैं तो यहाँ पे होता है प्रिंटर होते हैं, तो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आता है ए पर, इसी में आपको कहीं पर आएगा बोथ साइड प्रिंटिंग। लेकिन वो प्रिंटर सपोर्ट करेगा तो, ये प्रिंटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, हर प्रिंटर सपोर्ट नहीं करते हैं, एचपी के खास पर प्रिंटर जितने भी होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। इसमें आते हैं प्रॉपर्टीज में, मल्टी पेज, यहाँ पे आप कर दीजिए, यहाँ पे टू साइड प्रिंटिंग कर दिया ना, तो इसमें क्या है कि आपको फिर ऑड इवन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या करेगा कि इसका 50% प्रिंट आएगा निकाल के रुक जाएगा, फिर पेपर उल्टा लगाओगे फिर वापस आपका कमांड रिन्यू हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में फैसिलिटी है कि नहीं, जो पुराने प्रिंटर्स हैं उसमें नहीं है, लेकिन नए वाले जो प्रिंटर्स आए हैं अपडेटेड प्रिंटर्स हैं उसमें है ऐसे कि नहीं, तो वहाँ से इसका यूज कर सकते हैं आप। एक वाटर मार्क होता है, वो भी आप यहीं से डाल सकते हो, लेकिन वाटर मार्क डालने के लिए आप कहाँ यूज करोगे, इसी प्रॉपर्टीज में आइए, इसी में आपके पास वाटर मार्क दिखेगा, नो वाटर मार्क सिलेक्ट कर लीजिए, ड्राफ्ट कंपटीशन टॉप सीक्रेट जो भी लिखना है, ये तो बाइडफॉल्ट बने हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके खुद के मैंने वर्ड करना है तो एडिट पे क्लिक कीजिए, अपना खुद का वाटर मार्क टाइप कर लीजिए, तो वहां पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया आईपीटी, ऐड कर दिया एंड ओके कर दिया एंड ओके कर दिया, जब प्रिंट कमांड आप लोगे, सॉरी तो यहाँ पे आपके जो है वाटर मार्क आ जाएंगे,
इसमें नहीं दिख रहा है, पेंटिंग में दिखेगा आपको, हर पेज पेंट पेंट पे आपको वाटरमार्क दिखेगा, ठीक है। तो इसे जो वाटरमार्क सेट कर सकते हो, मेल मर जाता है, लास्ट टाइम सिखाया था मैंने, वेल मर्ज तभी यूज कीजिए जब आपको लेटर वगैरह निकालना हो या फिर आपको इसके लिए निकालना हो। हाँ मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक्सेल का लिंकिंग है वो समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 100 क्लाइंट्स है, 100 क्लाइंट्स के नाम के आपका डेटाबेस पड़े हुए हैं। ये मान लीजिए ना कि आपको स्लिप्स बना रहे हैं, सैलरी स्लिप की बात कर रहे हैं, आपने अपना अपना डिटेल्स आपने एक एक्सेल में आप सेव करके रख लो कहीं लोकेशंस पे, मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया, B1 के नाम से मैंने सेव कर दिया। अभी क्या है कि मुझे इन सबों का जो है एक फॉर्मेटेड में पेस्ट करना है, सबका इंडिविजुअली पेस्ट करना है, तो एक एक करके करेंगे तो दिक्कत लगा हो जाएगा, काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम वर्ड विन वर्ड स्टार्ट करेंगे, इसमें हम यहाँ पे आएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, यहाँ पे आएंगे मेलिंग पे स्टार्ट, इसमें देख लीजिए लेटर्स है, अगर क्या आप लेटर बनाना चाहते हो या ईमेल मैसेजेस है या लेवल्स है या डायरेक्टरी है, क्या बनाना चाहते हो आप, तो मैं लेटर्स बनाना चाहता हूँ, तो लेटर्स आ गया ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे आप इस पर क्लिक कीजिए सेलेक्ट और इंस्टेंट लिस्ट में चले जाइए, टाइप करने का तो मेनू लेके टाइप करना पड़ेगा। यूज इंस्टेंट लिस्ट में क्या है कि आपके पास ऑलरेडी जितने भी जो फाइल है ना, जो फाइल आपने बनाया उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने फाइल यहाँ पे B1 के नाम से बनाया था, B1 को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। कौन सी सीट पे है? C1 पे है, C1 को सिलेक्ट कर लिया। तो B1 के जितने भी डेटा थे ना, पूरे के पूरे डेटा आपको यहाँ पे देखिए चेक कर सकते हैं, पूरे डेटा आपको यहाँ आएगा, 35,000-40,000 जितने भी डेटा है सारे डेटा यहाँ पे आ जाएंगे। आगे अगर इसमें किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, हटा सकते हो। अब इसमें इंसर्ट फील्ड पे आइए, जैसे कि मैंने EID टाइप कर दिया, इसके नीचे डालिए, एक मिनट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ EID, EID पे मैंने सेमी कॉलन किया, इक्वल किया, और फिर मैं इंसर्ट फील्ड कर दिया EID का। फिर यहाँ पे दूसरा कौन सा है, डेट, मैंने यहाँ डेट लिखा, फिर डेट के लिए मैं डेट का फील्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने नेम, नेम के लिए नेम का फील्ड ऐड कर दिया, कस्टमर कोड, कस्टमर कोड के लिए कस्टमर कोड का फील्ड ऐड कर दिया, ऐसे पूरा आप ऐड करते चले जाओ। यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट के लिए मैंने यहाँ पे अमाउंट ऐड कर दिया, एक आपको फर्स्ट टाइम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया हमारे, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जैसा करना चाहते हो आप कर लो, हेडिंग वेडिंग डालना है, नीचे कुछ डालना है, सिग्नेचर विग्नेचर डालना है, पेड़ तैयार कर लो। जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे एडिट, एक तो आप डायरेक्टली प्रिंट कर दो, लेकिन आप चेक करना चाहो तो एक एक के सारे बन के आ जाए, तो यहाँ पे एडिट इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, इसमें ऑल कीजिएगा जितना आगे 10,000 बना देगा, लेकिन मैं चाहना चाहता हूँ 1 से लेके 10 तक, तो फर्स्ट 1 to 10 को यहाँ पे अपने आप देखिएगा बना दिया, दूसरा डेटा वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, अगर बीच में कोई डॉक्यूमेंट होता, कोई लेटर वेटर होता उसको भी वो रिपीट कर देता। इस तरह से एम्बलप वगैरह, एम्बलप यूज कर सकते हो, मेल करना है आपको तो मेल कर सकते हो, मान लो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को मुझे मेल करना है, तो यहीं पे आपको सेंड ईमेल मैसेजेस क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे लिस्ट, अगर वो डेटाबेस में कोई ईमेल आईडी डला हुआ है वो फील्ड सेलेक्ट कीजिए, टाइटल डालिए और सेंड कर दीजिए, वो सीधे आउटलुक के जरिए उस पर्सन को मेल कर देगा सारे सारा डेटा, ठीक है, चाहे 1,000 हो चाहे 10,000 हो। इसके लिए मेल मर्ज यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल के डेटा को इसलिए इस पर लेके चला सकते हो वर्ड पे, अगर वर्ड पे कोई पर्टिकुलर टेबल को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो क्या कीजिए,
जस्ट कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट मार दीजिए, अपने आप आ जाए। अगर वर्ड पे डेटा डाला हुआ है, एक्सेल पे लाना है, तो वर्ड से जस्ट कॉपी कीजिए और एक्सेल पे ला दीजिए, बट वहाँ पे टेबल फॉर्म में होना चाहिए। सेम पावर पॉइंट में शिफ्ट कर तो एक्सेल पे करके फिर पावर पॉइंट में करो, फिर एक्सेल फाइनलाइज कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर लो। अगर पेस्ट कर नॉर्मल पेस्ट करने के बाद दिक्कत होता है तो पेस्ट से पिक्चर कर दो, ठीक है, या अगर बार बार चेंज करना पड़ता है तो पेस्ट से पिक्चर लिंक कर दो, जो कल बताया था, तो यहाँ चेंज करोगे वहाँ चेंज हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम डायनेमिक चार्ट की। अब चलिए हो चुका है, अब डायनेमिक चार्ट पे बढ़ते हैं। कल मैं चार्ट नॉर्मल चार्ट इंट्रोड्यूस किए थे, अब कुछ नया चार्ट आपको कराने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ, यहाँ पे मंथ जैन, एक ही है ग्राफ आपका, ये है आपका सिलेबस वाली बुक वाली लैंग्वेज है, चार्ट जो है कंप्यूटर लैंग्वेज, मेरे हिसाब से यही है। आपको एक्सेल में या किसी कंप्यूटर बुक्स में आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, चार्ट मिलेंगे सारे। मैंने BCA में पढ़ा, MCA पढ़ा, MPhil पढ़ा, कहीं नहीं मिला मुझे ग्राफ चार्ट्स में। हाँ, BCom किया था तो मैं देखा मिला रहा हूँ। अब मेरे पास ये डेटा है, अब इतना बड़ा डेटा है थोड़ा तो छोटा कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये डेटा। आप देखो दिख रहा है, अगर मुझे इस पे चार्ट बनाओ तो समझ में नहीं आएगा चार्ट है क्या, किसका क्या है, एनालाइज करना कंपेयर करना मुश्किल है। तो इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे एक नेम से दूसरे नेम के बीच में कंपेयर नहीं करना, मुझे इंडिविजुअली हर नेम का मंथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे एक साथ सबने सबका नेम ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि इस तरह से वन बाय वन चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको बोला गया। जैसे पुनीत का चार्ट आ गया, नेक्स्ट जैसे निशा का चार्ट, विक्की का चार्ट, ऐसे आपको अलग अलग बनाने हैं। तो अगर आपके पास 100 रो है तो आपको 100 चार्ट अलग अलग बनाने पड़ेंगे, बनाना है मुश्किल, फिर बनाने के बाद जो देखने वाला उसका ही मुश्किल, फाइल इतनी ऐप भी हो जाएगी, मेल पर जाएगी नहीं। तो इसके लिए सिंपल एक है कि हम क्या करेंगे कि हेडिंग को यहाँ से कॉपी करते हैं, कहीं एक जगह पर जहाँ चार्ट बनाना है वहाँ पर रखेंगे, और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड अप्लाई करता हूँ कि मैं यहाँ पे मैनुअली वन लिख देता हूँ फिलहाल, बाद में वन चेंज कर लूँगा मैं। और मेरे पास एक ऑफसेट फॉर्मूला होता है जो जी लुकअप की कैटेगरी का होता है, तो डेटा लुकअप करता है नंबर ऑफ रो के हिसाब से। तो मैंने बोला कि A1 से आपको एक नंबर रो को लुकअप करना है, 0 नंबर कॉलम को। इसने क्या किया कि A1 से आया 0 कॉलम, मतलब सेम कॉलम, उसका एक नंबर रो नीचे उतर के इसकी डेटा को यहाँ पे लुकअप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूँ तो क्या होगा, दूसरा नाम जो निशा है उसको दे देगा। तो नंबर ऑफ रो के हिसाब से डेटा लुकअप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वी लुकअप लगा नहीं सकते, कोई पर्टिकुलर डेटा तो नहीं है। उसके बाद हम सेम ऐसे यहाँ भी ऑफसेट लगाएंगे, ऑफसेट यहाँ पे B1 सेलेक्ट कर लिया जैन, फिर यहाँ पे ऐसे ही इसको सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा 0। ऐसे क्या होगा कि जनवरी से एक कॉलम नीचे, दो कॉलम नीचे का डेटा उठा के यहाँ शो कर देगा, निशा का डेटा आ गया। ऐसे हम आगे करते चले जाएंगे, तो करने से अच्छा है कि इसको ड्रैग कर दें ताकि सब कॉलम का आ गया। तो यहाँ पे अगर हम 3 करेंगे, हम करने से पहले जो है ना A5 को, जो A15 था इसको हमने फ्रीज कर दिया था, A1 को नहीं किया था, क्योंकि आखिर में B1 C1 D1 इसको बनना है, इसलिए हमने इसको फ्रीज नहीं किया। लेकिन जो फिक्स नेम था इसको फ्रीज करना पड़ेगा, जो सबके लिए एक ही है, फिर ड्रैग कर दिया। अब मैं इस पे जो है चार्ट बनाता हूँ, इंसर्ट चार्ट।
और इस चार्ट को एक जगह पे सेट करता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पे वन डालू, यहां पे क्या होगा, पुनीत का आ गया, टू डाला निशा, थ्री डाला यहां से आ गया, उनमें वन डेटा चेंज हो रहा है, जब यहां पे नंबर चेंज हो रहा है तो मेरा डेटा चेंज हो रहा है, जब डेटा चेंज हो रहा है तो चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मजा नहीं आएगा कि यहां से अब एक काउंटिंग देखना पड़ेगा, फिर काउंट के हिसाब से आप नंबर चेंज करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास डेवलपर टैब होता है, अगर ये डेवलपर टैब आपको नहीं दिखता है अपने आपके सिस्टम में तो आप क्या कीजिए, ऑफिस बटन पे जाइए, एक्सेल ऑप्शन, यहाँ पे सो डेवलपर टैब इन द रिवन पे क्लिक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट अनक्लिक होता है, डिफॉल्ट नहीं दिखता है। इसके अंदर में आपको इंसर्ट एक बटन दिखेगा, इंसर्ट में आपके बटन दिखेंगे, इसमें दो बटन है, फॉर्म कंट्रोल और एक एक्टिव कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल यूज करते हो तो इसमें वीवीए प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक्टिव कंट्रोल पे आपको प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहां पे क्या किया, कमांड बट बॉक्स में गए, ये कॉम्बो बॉक्स लेके यहां पे ड्रैग कर दिया, तो कॉम्बो बॉक्स आ गया। इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे, तो इसमें फॉर्मेट कंट्रोल पे आने पर क्या हुआ, कंट्रोल दिख रहा है यहां पर, और यहां पर इनपुट रेंज, इनपुट रेंज अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो क्या होगा कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर में ये सारे जो डेटा है वो डेटा यहां पे आ जाएगा। लेकिन मुझे इसकी, जब मैं बिक्की सिलेक्ट करूं तो इसका यहां पे रेफरेंस देना चाहिए, तो मैं राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल में एक सेल लिंक था, सेल लिंक में हम इस पर्टिकुलर नंबर के लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ओके करते हैं। इससे क्या हुआ कि अगर मैंने संदीप सिलेक्ट किया तो संदीप का जो सीरियल नंबर क्या है, 1 2 3 4, तो जहां पे 3 लिखा हुआ है ना वहां पे 4 लिख देगा। जैसे 4 चेंज होगा, ये आपका डेटा चेंज होगा, ये आपका यहाँ पे चार्ट चेंज हो जाएगा। तो एक तरह से आप जो है ना एक नया फीचर इसमें ऐड कर दोगे चार्ट पे। ठीक है, तो इस तरह से आप, अगर आपके पास एक ही डेटा है उसमें इंडिविजुअली अलग अलग चार्ट बनाना चाहते हो तो कई सारे चार्ट बनाने की जगह पे एक चार्ट बनाओ और इस तरह का फीचर अप्लाई कर दो। अब चलिए कुछ इसमें नए फीचर डालते हैं। मैं यहां पे टारगेट डाल देता हूं, टारगेट, और मैंने यहां पे कुछ टारगेट कॉपी पेस्ट करेंगे फिर वहां पे नहीं होगा दूसरे वर्ड वगैरह नहीं, एक्सेल के लिए वर्ड रिपोर्टिंग के लिए तो नहीं होता है, वर्ड तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, रिपोर्टिंग के लिए तो एक्सेल यूज होता है। तो वर्ड भेजेंगे, रिपोर्ट करोगे एक्सेल भेजो। अब यहां पे क्या है कि मैं यहां पे एक चेकबॉक्स डालना चाहता हूं, चेकबॉक्स यहां सेलेक्ट किया और यहां पे चेकबॉक्स ड्रैग कर दिया और टारगेट। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूं तो टारगेट शो होना चाहिए, इस पर अनक्लिक करूं तो टारगेट शो नहीं होना चाहिए। तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाऊंगा, सेल लिंक पे यहां पे लिंक देता हूं, 3D सेटिंग करने पे 3D जैसा दिखेगा आपको। अब इसमें क्लिक करूंगा तो यहां पे ट्रू आएगा, अनक्लिक करूंगा तो फॉल्स आएगा। अब यहां पे इफ कंडीशन लगा देता हूं यहां पे कि इफ अगर ये ट्रू हो तो टारगेट का डेटा दिखे, अगर ट्रू नहीं हो तो टारगेट डेटा की जगह पे ब्लैंक दिखे। मैं बड़ा करके दिखाता हूं फॉर्मूला क्या लगाया, मैं ये फॉर्मूला लगाया कि इफ B15, A13 नहीं तो ब्लैंक। तो B15 तो फिक्स है, सिर्फ हमने फ्रीज कर दिया और आगे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं चार्ट पे जाता हूं और चार्ट पे जो टारगेट है इस पर क्लिक करता हूं, तो क्लिक करते ही जो चेकबॉक्स है वो क्या करेगा, यहां पे ट्रू टाइप कर देगा। जैसे यहां ट्रू टाइप होगा, इफ कंडीशन टारगेट की वैल्यू को शो कर देगा। अब इसको चार्ट के अंदर में ले लीजिए, यहां पे आइए, अगर टारगेट को अनचेक किया तो टारगेट हट गया, क्लिक किया टारगेट आ गया।
ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। और दूसरा एक चीज होता है कि अगर डेटा काफी बड़ा है तो ड्रॉप डाउन करने में दिक्कत होगा, तो चलिए इसका भी यूज करते हैं। अब इसके लिए कोई अलग सीट पे जाते हैं, अलग लेते हैं, बाकी फॉर्मूले वगैरह तो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट चार्ट। अब जरूरी है कॉलम चार्ट ही लो, कुछ भी चार्ट ले सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारे डेवलपर टैब में ही हमारे पास एक होता है लिस्ट बॉक्स, यहाँ पे एक तो होता है नेक्स्ट प्रीवियस होता है, इसको अभी इसको भी ड्रैग कर सकते हो हम आपके ऑप्शन। नेक्स्ट प्रीवियस राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, जितना आपका डेटा है, डेटा कितना 13-12 होना चाहिए। हमें सेल लिंक दे दिया कि लिंक सेल लिंक कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ कि मुझे पुनीत दिख रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट निशा, नेक्स्ट 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 फिनिश प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट, इस तरह का यूज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक और है, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स, ये कॉम्बो बॉक्स की तरह होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा लिस्ट खुल के आता है। फॉर्म कंट्रोल, इनपुट रेंज में जाइए, वही आप डाल लीजिए, फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा, ऑफसेट कहीं रहेगा, सिलेक्ट कीजिए, 3D सेटिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गया ना, ड्रॉप डाउन करने का जरूरत नहीं है, क्लिक करें आ जाएगा। या फिर इसका अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो इसके जगह या ऊपर ही कर देता हूं मैं। एक और होता है हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार, इसको ले लेते हैं, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्म एंड कंट्रोल। इसमें मिनिमम क्या है, मैं बोला 1 है, मैक्सिमम कितना है, तो मैंने बोला 12 है, जितना डेटा आपका उतना। एक क्लिक पे कितना होना चाहिए, तो पता चला कि 1 होना चाहिए। और यहाँ पे सेल लिंक में मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो यहां से स्क्रॉलिंग हो गया। इसका यूज एक जगह और कर सकते हो, एक जगह और कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपका है आप कहीं से लोन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका है 50,000 रुपये, ठीक है, ये आपका रेट है, मान लो कि 9%, ये आपका टाइम है 10 साल। तो आपने यहाँ पे PMT का फॉर्मूला लगाया, एक बड़ा से एक बड़ा से एरिया कवर कर लेते हैं ना, इक्वल, और इसमें आपने PV का लगाया, यहाँ पे PMT कर लीजिए, सही है PMT। मैंने यहाँ पे रेट को डिवाइड कर दिया 12 से, फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसको 12 से, फिर इसको मैंने PV हमारे पास 50,000 हो गया, तो ये आपका ये आ गया। इसको ABS में डाल दिया ताकि ये माइनस ना दिखे, ठीक है। डॉलर हटा दीजिए, डॉलर जगह रुपीज रुपीज साइन लगा देते हैं, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, काउंटिंग की जगह हम करेंसी ले लेते हैं, हाँ आ गया। अब इसमें क्या है कि अब 9% है, 50,000 है, 60,000 होता है क्या होता, 70,000 होता है क्या होता, या 5-5 लोग करना चाहते हो 55,000 होता है तो क्या हमारा क्या EMI बनता। तो यहाँ पे हम इस कॉल में गए और यहाँ से इस कॉल पर डिजाइन कर लिया, छोटा कर लीजिए,
राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल। एक तो मैं इसका साइज है, प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज डेप कंट्रोल, अच्छा से क्लिक करना है। मैंने बोल दिया कि मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे 500, मैक्सिमम होना चाहिए आपको जितना मर्जी डाल लो। उसके बाद एक क्लिक पे 500 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। और मैं लिंक दे दिया इसको, सॉरी 30,000 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1,000 और, हाँ एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, 1 से लेके 30,000 तक, जो 30,000 ज्यादा नहीं होता है। अब पर इंक्रीमेंट पे मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे कर देता हूँ ओके। नहीं नहीं, नहीं हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, फॉर्मेट कंट्रोल में जो सेल लिंक है ना, सेल लिंक यहाँ नहीं लेना चाहिए, मुझे नीचे दे देता हूँ यहीं पर। जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आएगा, तो पी एम टी में जहाँ हमने हमने पी एम टी में जो बी वन लिया है ना, इसमें मैं प्लस करूँ दैट मल्टीप्लाई बाई 500। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 50,000 डालता हूँ यहाँ पे 50,000, तो यहाँ पे अगर 55,000 हुआ तो क्या आएगा, कर रहा है ऐसे, यहाँ पे देख सकते हो। स्टार्टिंग हुआ है, स्क्रॉल कर रहे हैं, इंसर्ट कर देते हैं नौ पी, तो यहाँ पे ये कर लीजिए ना, 50 प्लस दैट मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये देखिए यहाँ पे तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं ना इसको, ऑल कितना परसेंट होगा क्या होगा, ऐसे ही आप लोन इसकी परसेंटेज भी डाल सकते हो, इंसर्ट कीजिए। राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पे मैंने बोला मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए 1, पर इंक्रीमेंट होना चाहिए 0.01, सेल लिंक मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको आगे करूं, एक मिनट करूंगा, अच्छा ये डेसिमल प्लेसेस नहीं होता है, इसमें भी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू। एक मिनट काम कर सकते हैं, इसमें हम कर देते हैं 0 से लेके 100 तक, मैक्सिमम 100 और पर इंक्रीमेंट 1 हुआ एंड ओके। और यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे हम जहाँ पे हमने रेट डिवाइड बाई 12 किया है ना, इसमें इसको डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज बढ़ा रहे हो, जैसे परसेंटेज बढ़ाओगे यहाँ पे रेट बढ़ेगा आपका, ठीक है। इस तरह के स्कॉलिंग से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, तो आर एंड करना पड़ेगा आपको समझ में, क्योंकि बेसिकली इसका जो मेन हम यूज लोग करते हैं हम चार्ट पे ही करते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजों आया समझ में। अब लास्ट टॉपिक आज का हम बताते हैं मैक्रो। देखिए मैक्रो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको लास्ट टॉपिक जो है मैं आपको करा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा मैक्रो क्या करते हैं। मान लीजिए ना कि एक काम आप हमेशा करते हो, तो उस काम को बार बार आपको करना पड़ता है। मान लीजिए एक छोटा सा फॉर्मेट लेवल जो है मैं हर दिन बनाता हूँ,
दिन में 5 बार 10 बार बनाते रहते हैं, तो खैर तो बनाते हो या फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हो, तो उसके लिए क्या कीजिए, जब फर्स्ट टाइम आप बनाइए तो आप डेवलपर में ही रिकॉर्डिंग मैक्रो में जाके मैक्रो रिकॉर्ड कर लीजिए, इसका एक शॉर्टकट डिफाइन कर लीजिए, करना चाहते हो तो मैं कंट्रोल क्यू एक नया शॉर्टकट मैंने इसके लिए डिफाइन कर लिया एंड ओके करते हैं। अब मैं जो भी काम करूंगा वो एज ए कोड एज ए मैक्रो मेरे बैकग्राउंड में सेव होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे दिया डेट, मैंने यहाँ पे दिया नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, टोटल, फिर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया इससे नीचे तक, कंट्रोल डी किया, इसको सिलेक्ट किया, टोटल लगाया, यहाँ पे मैंने टोटल लिखा और मैं इसको 345 ठीक। कंट्रोल आ, इसको हमने टोटल कर दिया, कंट्रोल बी से, और इसको हमने यहाँ पे टोटल कर दिया, इसको कलर कर दो, और डेट आप यहां पे यह आपने बना लिया, फिनिश हो गया आपका काम। आप ये नीचे स्टॉप मार्केट, स्टॉप मैक्रो, ये नीचे सैंबल आएगा या फिर जहां से आपने रिकॉर्ड किया था ना वही मैं इसको स्टॉप कर दी, करने कर ली, अब फाइल सेव कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको डिलीट भी कर दिया ना, मान लीजिए मैंने इसको उठाया और डिलीट मार दिया, हो गया डिलीट। आप माइक्रोज में जाइए, यहाँ पे माइक्रो वन दिख रहा होगा, सिलेक्ट कीजिए और रन कर दीजिए, आ गया। तो जो काम अगर आप मैनुअल कर रहे हो ना उसको रिकॉर्डिंग में डाल दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जस्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आपको प्ले पे क्लिक किया, आपने प्ले किया उस माइक्रो, उस जो काम आपने किया है उसको एक या 10 बार जितने बार करना चाहते हो कर सकते हो, आपका हमेशा होते जाएगा। इस फाइल में या किसी अनदर फाइल में दूसरा बुक टू आया ना, इसमें भी कर सकते हो, लेकिन किसी और फाइल में रन करने से पहले जिस पे आपने बनाया है वो ओपन होना चाहिए, और ओपन नहीं है तो दूसरे माइक्रो पे नहीं चलेगा। और मैक्रो में हर काम आपका आपके तरीके से नहीं होगा, क्योंकि मैक्रो सिंपल होता है, डायनेमिक नहीं होता है। अगर डायनेमिक ही मैक्रो करना चाहते हो उसके लिए आपको वीवीए प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप एक्सेल से सीख लीजिए, फिर आपको हम वीवीए मैक्रो भी सिखा लेंगे, ठीक है। तो जब मैक्रो वाली फाइल जो जिसमें आपने मैक्रो बनाया है उस फाइल को आप नॉर्मल एक्सेल में सेव मत करना। अगर हम नॉर्मल एक्सेल में सेव करते हो मतलब कि एक्सेल वर्कबुक में आपने सेव कर दोगे तो आपका पूरा पूरा माइक्रो डिसेबल हो जाएगा, इसलिए इस फाइल को हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव कीजिए, तभी ये कोडिंग रहेगा। अब देखिएगा इससे जो आपने काम किया है इसके बैकग्राउंड में इसने क्या किया है, एक प्रोग्रामिंग किया है आपके काम को, इस तरह से प्रोग्राम कर दिया इसने, सेल प्रोग्राम बना दिया इसने, ठीक है। जब रन करते थे ये प्रोग्राम रन हो जाता है। तो अगर और ज़्यादा मैक्रोज में और ज़्यादा ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का नेक्स्ट स्टेप मैक्रो ही आता है, तो उस केस में आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लोगे तो आप अपना 50% काम ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, मतलब दिन आधा दिन आपका फ्री हो जाएगा। और इसी प्रोग्रामिंग में मास्टर हूँ मैं।